आज पूरा देश राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने जा रहा है। अभी हमारे असेंबली के स्टूडेंट राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी में विज्ञान की। देखो ये तस्वीरें अपनी, अपने गौरव की, अभिमान की। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय के मुखिया आदरणीय प्राचार्य महोदय, हमारे वरिष्ठ विज्ञान के सभी शिक्षक सभी मंच पर आ जाए। कृपया हमारे वैज्ञानिक विज्ञान के आविष्कर्ता पेपर माल्यार्पण और पुष्पांजलि प्रदान करेंगे आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं विज्ञान के सभी वरिष्ठ शिक्षक। कृपया मंच पर आए और दीप प्रज्वलन माल्यार्पण पुष्पांजलि। आप लोगों को विज्ञान अच्छा लगता है? आप लोग प्रैक्टिकल करते हैं? बहुत अच्छा। हनुमान चालीसा किसको किसको आता है? अच्छा, विज्ञान चालीसा किसको किसको आता है? विज्ञान चालीसा ये भी जानना है, जीवन का मूल है विज्ञान चालीसा। आप कविता कविता में ही, कविता के कुछ पंक्तियों में ही विज्ञान से खोज करता जो भी प्रमुख आविष्कार हुए हैं, जो भी निरंजन हुए हैं, उनके बारे में जानने के लिए जरूर कभी देखिएगा। यूट्यूब में भी मिल जाएगा आपको, लिरिक्स के रूप में भी मिलेगा, उसको भी पढ़ना है। और फैक्चुअल चीजें, तथ्यात्मक बातें उस विज्ञान चालीसा में है। धन्यवाद महोदय। इसी कड़ी में मैं विद्यालय के भौतिक विज्ञान के शिक्षक श्री राकेश कुमार सर को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय प्रिंसिपल सर, सुप्रभात आदरणीय प्रिंसिपल सर और आदरणीय टीचर्स और प्यारे बच्चे, आज इसको हम टू वे कम्युनिकेशन रखते हैं और आज हम लोग कुछ समझते हैं कि आज हम लोग यहाँ पे क्यों एकत्रित हुए। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप में से कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय जाप आता है? आप खड़े करिए। वेरी गुड बेटा, खड़े हो जाओ। आप बहुत अच्छा। इसका मतलब क्या होता है? इंडॉक्ट्रिनेशन, हम इसको इंग्लिश में इंडॉक्ट्रिनेशन बोलते हैं। मतलब किसी चीज को पढ़ना बिना समझे, और इसी चीज को हमें समझने के लिए विज्ञान की जरूरत है। विज्ञान हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि आज मैं, अगर मैं इस मंच से
इतनी तेज आवाज में अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज आपके पास स्पष्ट पहुंच रही है, तो ये विज्ञान का चमत्कार पहुंच पाता तो बहुत कभी कभी स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, ये बात है 1921 की, जब एक हमारे इंडियन साइंटिस्ट रमन, सर सीवी रमन, उनको सर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश में किसी को नाइट हुड की उपाधि दी जाती थी, उनको सर कहा जाता था। तो उनका ऐसा डिस्कवरी था कि ब्रिटिश के जो साइंटिस्ट सेकेंड इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज एंड फर्स्ट इंडियन टू गेट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। यू नो हाउ मेनी ऑफ यू नो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस? एक इंस्टीट्यूट है इंडिया में बैंगलोर में, कितने बच्चे जानते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बारे में? हमारे बीच में एक बड़े शिक्षक है the screwdriver, we make four holes in it with equal depth. Then we pour some water. After we put the water, the water will come out of the holes that we made. This proves that liquid
जो हम
जो